बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी के टॉपिक का आगाज किया था। नेटवर्क टोपोलॉजी में हमने ये देखा था कि टोपोलॉजी क्या होती है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी बिना पर किसी भी टोपोलॉजी को इंस्टॉल किया जाता है, सेटअप किया जाता है। इसके साथ साथ हमने बस टोपोलॉजी की डिटेल देखी थी। आज के लेक्चर में हम मजीद टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। तो दोस्तों आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। बस टोपोलॉजी के बाद जो अगली टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। एक ऐसी टोपोलॉजी होती है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें डिवाइसेस डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती, एक दूसरे से बराह रास्त जुड़ी नहीं होती, बल्कि एक सेंट्रल यूनिट, एक सेंट्रल पॉइंट के जरिए आपस में कनेक्ट होती है। वो सेंट्रल पॉइंट हब हो सकता है या फिर स्विच। हब और स्विच को हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के पार्ट 2 के लेक्चर में डिटेल में देखा था। दोस्तों हब क्या करता है, ये ब्रॉडकास्टिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंप्यूटर 1 इस कंप्यूटर को कोई मैसेज भेजना चाहता है, वो मैसेज पहले इस सेंट्रल डिवाइस के पास आएगा। अगर ये सेंट्रल डिवाइस हब होगी तो इस मैसेज को तमाम डिवाइसेस को सेंड कर देगा, तमाम डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट कर देगा। जबकि स्विच इस मैसेज को सिर्फ उसी डिवाइस को भेजेगा जिसको ये मैसेज भेजना होगा। तो मींस स्विच फिल्टरिंग का काम करता है जबकि हब ब्रॉडकास्टिंग करता है। हब या फिर स्विच में पोर्ट्स मौजूद होती हैं और जितनी ज्यादा पोर्ट्स इस सेंट्रल डिवाइस में मौजूद होंगी उतनी ही ज्यादा डिवाइसेस को उनसे कनेक्ट किया जा सकता है। वो तमाम डिवाइसेस बस नेटवर्क की तरह किसी एक केबल से कनेक्ट नहीं होती, बल्कि अलग अलग केबल से उस सेंट्रल डिवाइसेस से कनेक्ट होती है। वो केबल यूटीपी हो सकती है, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कम्युनिकेट कैसे करती है, यानी डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस तरीके से जाता है। तमाम डिवाइसेस एक सेंट्रल यूनिट से कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, डेटा को सेंड करना चाहती हैं, तो पहले वो कम्युनिकेशन, वो मैसेज उस सेंट्रल यूनिट के पास जाएगा, फिर ही उस डिवाइस के पास। मींस तमाम मैसेजेस को सेंट्रल यूनिट के पास से जाना होता है और वो सेंट्रल यूनिट ही उनको दूसरी डिवाइसेस तक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को कोई डाटा भेजना चाहता है तो पहले वो डाटा इस डिवाइस के पास आएगा, यानी सेंट्रल यूनिट के पास, और ये सेंट्रल यूनिट ही उस डाटा को इस कंप्यूटर को भेजेगा। तो दोस्तों ये थी स्टार टोपोलॉजी की कम्युनिकेशन। आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। दोस्तों ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली टोपोलॉजी है और खासकर इसको होम्स वगैरह में या फिर छोटे छोटे ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर भी अगर एक टर्मिनल, एक नोड ब्रेक हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसका असर पूरे नेटवर्क पर नहीं होता, तो ये इसकी एक रिलायबिलिटी है। दोस्तों क्योंकि इसमें तमाम डिवाइसेस सेंट्रल यूनिट से कनेक्ट होती हैं, इसकी वजह से इसमें कोलिजन नहीं होता, यानी डेटा आपस में टकराता नहीं है। वो सेंट्रल यूनिट एक वक्त में किसी एक डिवाइस को ही डेटा भेजेगा। तो दोस्तों इसका फायदा ये होता है कि इसके जरिए प्रोसेसिंग स्पीड इसकी फास्ट हो जाती है और परफॉर्मेंस हाई हो जाती है बस की निस्बत। दोस्तों इसमें न्यू डिवाइसेस को ऐड करना आसान होता है, बस आपको सिर्फ एक डिवाइस को केबल के जरिए इस हब से कनेक्ट करना होगा, यानी इस नेटवर्क को, स्टार टोपोलॉजी को एक्सपेंड करना बहुत आसान होता है और उसको सेटअप करना भी आसान होता है, और साथ के साथ अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो उसको डिटेक्ट करना भी आसान होता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिट के पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। दोस्तों आइए अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ये बस की निस्बत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग केबल्स के जरिए इन्हें हब से जोड़ा जाता है। बस के अंदर सिर्फ एक केबल मौजूद होती है, जबकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर अलग अलग केबल्स के जरिए इसे हब से जोड़ा जाता है। इसीलिए ये बस के निस्बत ज्यादा महंगी होती है, इसको लगाने के लिए ज्यादा कीमत दरकार होती है। साथ के साथ इसमें हब या फिर स्विच यूज होता है, तो वो भी एक एक्सपेंसिव डिवाइस होती है। अगर एक हब के अंदर ज्यादा पोर्ट्स हैं तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, उससे ज्यादा नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, तो इसीलिए वो डिवाइसेस भी एक्सपेंसिव होती हैं। कीमत की उनके लिए भी कुछ कीमत दरकार होती है। दोस्तों इसमें भी सिंगल पॉइंट फेलियर होता है, ये तमाम नेटवर्क एक सेंट्रल डिवाइस पर मुनहसिब है, तो अगर वो सेंट्रल डिवाइस यानी हब या फिर स्विच
ब्रेक हो जाता है, फेल हो जाता है, डाउन हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये था स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगला नेटवर्क है ट्री टोपोलॉजी। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन होता है बस और स्टार टोपोलॉजी का। इसमें एक सेंट्रल वायर होती है जो कि बस टोपोलॉजी की होती है, और बाकी तमाम स्टार टोपोलॉजीज हब के जरिए उस सेंट्रल वायर से कनेक्ट होती हैं, क्योंकि इसमें पहले सेंट्रल वायर होती है, फिर उसके नीचे हब्स, फिर हब्स के साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो ये एक दरख्त नुमा शक्ल का लगता है, इसीलिए इसको ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। ये एक हाइब्रिड अप्रोच है, और हाइब्रिड इसीलिए क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टोपोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये आमतौर पर बड़े नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस अलग अलग जगह मौजूद है, तो उन ब्रांचेस में स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, और उन तमाम ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बस टोपोलॉजी के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो दोस्तों आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तब ज्यादा यूजफुल है जब आप कोई बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अदरवाइज स्मॉल नेटवर्क के लिए ट्री टोपोलॉजी को इस्तेमाल करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसमें बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन ये उसकी तरह लिमिटेड नहीं होती बल्कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है। आप ट्री टोपोलॉजी में जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक हब लगाना होगा, उसके बाद आप आसानी जितनी चाहे डिवाइसेस ऐड कर लें, यानी इसको एक्सपेंड करना, इसको बढ़ाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी डिवाइसेस जैसे कि हब और स्विचेस वगैरह इस्तेमाल होती हैं, इसीलिए इसे बहुत से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स इसके जरिए टोपोलॉजीज बनाते हैं। ये एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वाला नेटवर्क बनता है, क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स हब से कनेक्ट होते हैं, तो इसमें कोलिजन के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जहाँ कोलिजन रेट कम होता है वहाँ आमतौर पर ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाता है। कि डाटा कोलाइड नहीं होगा तो तमाम नोड्स को वेट नहीं करना होगा, और जब तमाम नोड्स वेट नहीं करेंगी तो डाटा कंटिन्यूअसली तमाम नोड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगी, इसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन रेट हाई होता है। दोस्तों इसमें हब और स्विच का इस्तेमाल करके सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग की जाती है, यानी डाटा कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना, ये तमाम मॉनिटरिंग इन्हीं डिवाइस के जरिए की जाती है। आइए अब इसके डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। दोस्तों इसका भी एक बड़ा नुकसान ये है कि इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, मींस अगर आपकी ये केबल ब्रेक हो जाती है, ये केबल टूट जाती है, तो कोई भी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक लार्ज नेटवर्क के लिए बनाए जाने वाली टोपोलॉजी है, तो इसे कॉन्फ़िगर करना इंस्टॉल करना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ केबल को सेटअप करना भी, क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स की अपनी अपनी केबल्स हैं जिनसे वो हब से कनेक्ट हैं, फिर हब एक अलग केबल से सेंट्रल केबल से कनेक्ट होता है, और फिर उस सेंट्रल केबल की लेंथ बहुत बड़ी होती है, और इतनी सारी केबल्स और नेटवर्क डिवाइसेस की यूज की वजह से ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो दोस्तों ये थे ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगली टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स अपने नेबरिंग कंप्यूटर्स यानी अपने साथ वाले कंप्यूटर्स से कनेक्ट होते हैं, और साथ साथ आखिरी कंप्यूटर को पहले कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है, इसकी वजह से एक रिंग नुमा शक्ल का नेटवर्क बन जाता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसमें एक टोकन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मींस डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। दोस्तों टोकन पूरे नेटवर्क पे मूव करता है, और जिस भी कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करनी होती है वो टोकन को अपने पास ले लेता है, और जब कम्युनिकेशन मुकम्मल हो जाती है, जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, तो टोकन दोबारा रिंग में डाल दिया जाता है। मींस एक वक्त में सिर्फ एक कंप्यूटर ही कम्युनिकेशन कर सकता है। इसमें मैसेजेस तमाम कंप्यूटर्स के पास जाते हैं, और जिसका भी वो मैसेज होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी तमाम कंप्यूटर्स उस मैसेज को डिक्लाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंप्यूटर वन है जो कि इस कंप्यूटर को डाटा भेजना चाहता है, तो ये मैसेज सबसे पहले इस कंप्यूटर के पास जाएगा और फिर ही इस कंप्यूटर के पास जाएगा।
दोस्तों मैसेज तमाम कंप्यूटर से होते हुए अपने डेस्टिनेशन एड्रेस की तरफ जाते हैं। आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है, इसीलिए इसमें कोलिजन के चांसेस कम होते हैं और कोलिजन कम होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है। दूसरी टोपोलॉजीज जैसे कि स्टार और ट्री के निस्बत इसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई नेटवर्क डिवाइस इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ एक सेंट्रल केबल होती है जिससे तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। दोस्तों के डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि मैसेज तमाम नोड्स के पास जाता है, इसीलिए इसकी ट्रांसमिशन स्लो होती है। अगर एक केबल डाउन हो जाती है तो तमाम नेटवर्क डाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से ये केबल ब्रेक हो गई तो तमाम कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे, क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन इस केबल के जरिए ही हो रही है। दोस्तों इसको एक्सपेंड करना यानी इसके अंदर मजीद कंप्यूटर्स को ऐड करना भी मुश्किल होता है। ये तब ज्यादा सुइटेबल है जब नंबर ऑफ नोड्स और कंप्यूटर्स की तादाद कम हो, कि जितनी ज्यादा नोड्स होंगी उतनी ही देर से एक मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास जाएगा, क्योंकि मैसेज तमाम नेटवर्क से घूमता हुआ जाता है, इसीलिए अगर कहीं एरर आ जाए तो उसको ट्रबल शूट करना, उसको ढूंढना, उसको रिमूव करना भी मुश्किल होता है। अगली टोपोलॉजी है हैश टोपोलॉजी। एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, बराह रास्त तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से भी कनेक्ट है, कंप्यूटर डी से भी कनेक्ट है और कंप्यूटर सी से भी केबल के जरिए कनेक्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर बी ए से कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है और डी से भी कनेक्ट है और कंप्यूटर डी भी इसी तरीके से तमाम कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट है। और डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से इसमें बहुत से रास्ते मौजूद होते हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान। पिछली तमाम टोपोलॉजीज में हम सिर्फ एक वे में डाटा को भेज सकते थे, लेकिन मैश टोपोलॉजी में हम अलग अलग रूट से डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी को डेटा भेजना है और अगर इसके रूट में पहले से कोई डेटा मौजूद है, ट्रैफिक है या फिर कोलिजन हो गया है, तो आपके पास मजीद कई रास्ते मौजूद होंगे डेटा को सेंड करने के लिए। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें मल्टीपल पाथ अवेलेबल हो उसको मैश नेटवर्क कहा जाता है। आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मल्टीपल पाथ मौजूद होते हैं, बहुत से रास्ते मौजूद होते हैं, इसीलिए इसमें डेटा का ट्रैफिक का इशू नहीं होता। ये बाकी तमाम नेटवर्क्स में बाकी तमाम टोपोलॉजीज में सबसे ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि अगर एक लिंक डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है, तो बाकी कई और लिंक मौजूद होते हैं। मीन्स अगर किसी एक लिंक में कोई खराबी आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, तो इसको टॉलरेट कर सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है किसी और लिंक से अपने डेटा को भेजकर, क्योंकि इसमें तमाम कंप्यूटर्स आपस में केबल से कनेक्ट होते हैं, तो इसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको रिमूव करना भी आसान होता है। ये तमाम कंप्यूटर्स पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ये पता चल जाता है कि एरर कहाँ आया है। दोस्तों इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि तमाम नोड्स डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, तो डेटा जिसको भेजा जाएगा सिर्फ उसी के पास जाएगा। आइए अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हर नोड के साथ जितनी डिवाइसेस मौजूद हैं उतनी ही केबल्स लगती हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी केबल्स को कॉन्फ़िगर करना, सेटअप करना मुश्किल होता है, इसको एक्सपेंड करना भी मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप कोई न्यू डिवाइस इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए उतनी ही ज्यादा वायर्स की जरूरत होगी और उनको सेटअप करना भी आसान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके अंदर मजीद कोई कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ यहाँ भी केबल लगानी होगी, यहाँ भी केबल लगानी होगी और इस तरीके से तमाम कंप्यूटर्स के साथ उस केबल को अटैच करना होगा, जो कि एक निहायत ही मुश्किल काम है और इतनी सारी केबल्स के इस्तेमाल की वजह से ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो दोस्तों ये थी तमाम टोपोलॉजीज। दोस्तों इसके अंदर एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी है, और हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जो बहुत सी टोपोलॉजीज से मिलकर बनती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ट्री टोपोलॉजी देखी थी, जो कि स्टार
और बस टोपोलॉजी से मिलकर बनी थी, तो वो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी थी। तो दोस्तों ये थी तमाम टोपोलॉजीज। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका नाम है ओ एस आई मॉडल।